नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ विंग कमांडर अभिनंदन की तारीफ में क्या पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में विंग कमांडर अभिनंदन के शौर्य की तारीफ की। उन्होंने विंग कमांडर के जज्बे और साहस की तारीफ करते हुए कहा कि इस देश की ताकत है कि यह शब्दों के अर्थ बदल सकता है। आज अभिनंदन का अर्थ बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि डिक्शनरी में अब अभिनंदन शब्द का अर्थ ही बदल गया है। उन्होंने कहा कि इस देश में शब्दों के अर्थ बदलने की ताकत है। पाकिस्तान के अत्याधुनिक F-16 विमान को गिराने वाले एयरफोर्स पायलट के शौर्य और संयमित व्यवहार की तारीफ सोशल मीडिया और देश में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के आखिरी में उन्होंने कहा कि देश अब एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान की हर बात को दुनिया गौर से देखने लगी है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से लौटे विंग कमांडर अभिनंदन की तारीफ की और उनके हौसले व शौर्य को शब्दों के अर्थ बदलने वाला बताया। पीएम ने कहा, इस देश में यह ताकत है कि यह शब्दों के अर्थ बदल देता है। पहले अभिनंदन का अर्थ होता था कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन आज इसका अर्थ बदल जाएगा। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने अपनी सरकार की सस्ती हाउसिंग कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, कंस्ट्रक्शन में अपनी सोच को लेकर हमने बदलाव किया है। घर हो, मकान हो, कर्मशील बिल्डिंग या सड़क क्यों ना हो, इन्हें इको फ्रेंडली बनाने के लिए हमने काम किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग पर GST को बहुत कम किया, इसे 8% से घटाकर हमने 1% तक कर दिया है। वहीं विंग कमांडर की वतन वापसी पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनके साहस की सराहना की थी। पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान की कैद में भी जिस धैर्य और साहस का परिचय दिया, उसकी तारीफ देश की आम जनता से लेकर बॉलीवुड और राजनीति की मशहूर हस्तियां भी कर रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।